नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सराहट के। भाजपा के पुराने नेता और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक गाहे बगाहे मोदी सरकार पर हमलावर होते ही रहते हैं, या यूं कहें कि वो हमेशा अपनी बात साफ गोई से कहने में कोई गुरेज नहीं करते, चाहे वो बातें उनके सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। किसान आंदोलन के दौरान वो किसानों के पक्ष में हमेशा बोलते रहे और अब नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गठबंधन पर भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया मैं वहाँ से मेघालय से, वहाँ उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो हैं रेलवेज शिपयार्ड सब चीज़ें उसको जा रही हैं, तो ये जो चीज़ है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा महंगे पे बेचेगा। जी जी, क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये अब ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया, कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री कैसे मालदार हो रहा है। अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी है लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक ढेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं, हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे।